please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में कुछ लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए। इन लोगों ने सरकार से दिल्ली में पेड़ काटे जाने की योजना का विरोध किया और योजना वापस नहीं लिए जाने तक चिपको आंदोलन की तर्ज पर प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की। इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली के रीडेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटने का काम शुरू हुआ है और इसके विरोध में अब लोग सड़कों पे भी उतरे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार की पेड़ काटने का फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की। हम लोग ट्रीज लगाने की जगह उसको काट रहे हैं, तो ये तो इंसैनिटी है, मतलब पागलपन है। सामाजिक संगठनों की इस मुहिम को दिल्ली की केजरीवाल सरकार का भी साथ मिला, लिहाजा दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की योजना वापस लिए जाने की मांग की और इसको सही माना। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज आंदोलन में। वारदात के दौरान मारपीट कर रहे लोगों ने रेस्टोरेंट पर पथराव भी किया, जिससे खुद को बचाने के लिए रेस्टोरेंट के कर्मचारी वहां से दूर हट गए। इसके बाद मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले लोग वहां से भाग खड़े हुए। आरोप है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जिसके बाद पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुट गई। तीन लोग हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं और भी छानबीन की जा रही है, आगे जो भी नाम निकलेंगे उन सबको पकड़ लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी दूसरे आरोपियों की पहचान में जुटी है। गाजियाबाद पुलिस ने एक फर्जी एएसआई को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सीआरपीएफ की एएसआई बताती थी। पुलिस ने महिला के पास से फर्जी आई कार्ड बरामद किया है। इसके अलावा उसके पास से फर्जी दस्तावेज मिले हैं। पुलिस का दावा है कि महिला सीआरपीएफ में भर्ती होने आई थी, लेकिन भर्ती नहीं हो पाई, जिसके बाद से वो लोगों पर नकली एएसआई बनकर रौब झाड़ती थी। उत्तर प्रदेश के महोबा में दमकल विभाग के कर्मचारी पानी के पाइप से एक गाड़ी में लगी आग बुझाने लगे। आरोपी की वहां अवैध तरीके से गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर लगाकर उसमें गैस भराई जा रही थी, लेकिन इसी दौरान एक तेज धमाका हुआ और गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। आग लगते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने लगे। इस दौरान जहां गाड़ी खड़ी थी उसके बगल की दुकान भी आग की लपटों की चपेट में आ गई। इसके बाद दुकान का ताला तोड़कर उसमें लगी आग को बुझाया गया। इलाके के लोगों का दावा है कि घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में होने वाले एलपीजी सिलेंडर से गाड़ी चलाई जा रही थी, जिसमें अवैध तरीके से गैस भरते वक्त हादसा हो गया। घरेलू सिलेंडर यूज करते हैं? हाँ, घरेलू सिलेंडर चलते हैं सर। उसी हाँ, लाल वाला सिलेंडर आता है ना, गैस वाला, वही सिलेंडर डालते हैं। लोगों का आरोप है कि महोबा में अवैध तरीके से गैस भरने का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिससे कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब तक इन पर लगाम नहीं लगा पाया। पंजाब के मोगा में एक आदमी की लोगों ने जमकर पिटाई की। आरोप है कि टेस्ट ड्राइव के बहाने आरोपी ने कार चुराने की कोशिश की, लेकिन आरोपी के साथ कार में मौजूद शोरूम के कर्मचारी ने हैंड ब्रेक रोक कर कार ली, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। तो टेस्ट ड्राइव के समय कार चुराने की कोशिश की गई, लेकिन शोरूम कर्मचारी की सूझबूझ से इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। दरअसल जब टेस्ट ड्राइव कर रहा था ये शख्स, तो उस वक्त शोरूम कर्मचारी ने हैंड ब्रेक रोका और इसके बाद कार को इससे छुड़ाया।